नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मोनोसेफ हो 50 सस्पेंशन के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मोनोसेफ हो 50 सस्पेंशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो यह छोटे बच्चों के लिए होता है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस 85 रुपये है और इसको अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। यह 18 ग्राम में आता है, 30 ml इसमें वाटर होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिफोडॉक्सिम होता है, जो कि प्रत्येक 5 ml में 50 mg होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह छोटे बच्चों के लिए दवा है, जो कि 2 महीने से लेकर 10 साल तक के होते हैं, उनके लिए यह दवा उपयोग में लाया जाता है। तो यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और बैक्टीरिया को मारता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। यह सिफिलोस्पोरिन समूह की दवा है, जो कि 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है। आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल बच्चों को अगर बुखार है, खांसी की समस्या है, गले में इन्फेक्शन हो गया हो, टॉन्सिल की समस्या हो, तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर नाक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चे को पेशाब में जलन महसूस हो रहा हो, या बार बार पेशाब हो रहा हो, या पेशाब नली में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे को फेफड़े या वाय नली में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चे के स्किन में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया हो, दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, तो उन सब समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में इन्फेक्शन हो गया हो, कान में फोड़ा फुंसी हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी फोड़ा फुंसी हो गया हो या चोट लग गया हो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। यह बैक्टीरिया के सेल वाल को बाधित कर देता है, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जिससे बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यह सिर्फ 2 महीने से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए होता है। इसका जो नॉर्मल डोज है वो 5 mg/kg पर डोज होता है। अगर बच्चा 10 kg का है तो उसको 5 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। और आइए जान लेते हैं मोनोसेफ हो सस्पेंशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, दस्त की समस्या, गैस की समस्या, और इसके अलावा कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, छोटे छोटे दाने निकलना, लाल चकत्ते होना, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी किसी बच्चे के हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो इसको लेने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या होती हो तो इसको बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी मोनोसेफ हो 50 सस्पेंशन के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।